समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गीबत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई का किसी ऐसी चीज से जिक्र करना जिसको वो नापसंद करे। कहा गया, अगरचे उसमें वो चीज पाई जाती है जो मैं कह रहा हूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम कह रहे हो अगर वो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो चीज नहीं पाई जाती जो तुम कह रहे हो तो तुमने बोहतान लगाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के तनाजुर में हम ये बात समझ सकते हैं कि यह गुनाह किस कदर संगीन और अजीब है कि अगर आप अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसकी बात करते हैं तो दो गुनाहों में से किसी एक में पड़ जाने का कवि इम्कान है, या आप बोहतान लगा रहे हैं या फिर आप गीबत कर रहे हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गीबत करने वाले को डराने के लिए इस कदर खतरनाक किस्म की मिसाल से समझाया है कि ऐसी मिसाल पूरे कुरान हकीम में और कोई नहीं है। इरशाद है, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? इंसानी गोश्त की मिसाल तो खुदा, यहां अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के मुर्दा गोश्त की मिसाल दे रहे हैं, क्योंकि मुर्दा इंसान तो जिंदा इंसान से भी ज्यादा हकीर हो जाता है और कराहत का बायस बन जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए और इंसानी गोश्त का कोई हिस्सा अपने मुंह में महसूस कीजिए तो फिर देखिए कि आपको किस कदर घिन महसूस होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम फिर भी इस गुनाह में एक बड़ी तादाद में मुब्तला है। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। हमारे लिए हर मुसलमान की माल जान और इज्जत को हराम करार दिया गया है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर मुसलमान का मुसलमान पर खून यानी जान और माल और इज्जत हराम है। सामीन, गीबत किसी एक चीज के साथ खास नहीं है, बल्कि इस बात की दलील है कि हर वो चीज जो आपका भाई अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करता वो गीबत है, चाहे वो खल्की हो या खुल्की, उसके अहलो अयाल में हो या उसके माल में, या उसके बारे में किसी भी चीज का तस्करा गीबत के जुमरे में आता है। चुनाचे सिलसिले में इस हदीस पर गौर कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन अल्फाज में इस बात की मजम्मत कर रहे हैं। एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनका कद पस्ता होना ही इनके लिए काफी, यानी उन्होंने उनके पस्ता कद होने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर ये समंदर के पानी में घोल दी जाए तो उस पर गालिब आ जाए, यानी समंदर का पानी कड़वा हो जाए। इस हदीस से अंदाजा होता है कि हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज किस तरह कड़वे होते हैं कि समंदरों का पानी भी कड़वा कर सकते हैं। लेकिन हैरानगी इस पर है कि हम कभी भी अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज पर गौर ही नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन हो या सहाबा में से कोई इंसान, ऐसे मौकों पर बड़ी सख्त तशबीह से काम लेते थे ताकि इस गुनाह की संगीनी को जाना जा सके। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गीबत के बारे में कहते हैं कि गीबत में तीन गुनाह जमा हो जाते हैं और इन तीनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में जमा कर दिया। नंबर एक, जिस भाई की आप एबजुई कर रहे हैं उसमें वाकई वो बात मौजूद है तो आप गीबत कर रहे हैं। नंबर दो, अगर उसमें वो ऐब मौजूद नहीं है तो आप बोहतान लगा रहे हैं। और नंबर तीन, अगर आपको हकीकत का इल्म नहीं है और आप सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा रहे हैं, ये बोहतान की बदतरीन किस्म है। गीबत एक ऐसा गुनाह है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया है कि गीबत करने वाले आदमी की बात तस्लीम नहीं करनी चाहिए। चुनाचे इरशाद हुआ, हरगिज न दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला है, बेवकत आदमी है, ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है। इसलिए हर हाल में जुबान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है ताकि हम इस गुनाह में मुब्तला होने से बच सकें। गीबत के कई एक सबब हैं, लेकिन इनमें से बड़े असबाब की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे जो हमें गीबत पर मजबूर करते हैं
और इन असबाब की वजह से गीबत में जाने का कभी इम्कान हो जाता है। नंबर एक, हसद। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पहाड़ों तक को रेजा रेजा कर सकती है। गीबत के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह हसद है कि जिसमें मुबतला होकर इंसान लोगों को किसी से मुतनफर करने की गरज से उसकी आबजूई करता जाता है, बिना यह सोचे कि इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो हलाकत में जरूर जा सकता है। नंबर दो, इसका एक सबब हमारी महफिलों का इनकार भी है। आज के इस पुरफितन दौर में हम जब भी जमा होते हैं तो हमारा मौजू किसी दूसरे की जात ही होती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। बल्कि अगर ये कहा जाए कि यह हमारी महफिलों का पसंदीदा मशगला बन चुका है तो कोई मुबालगा नहीं होगा। आज अगर आप अपनी महफिल में किसी दूसरे की जात में तान या ऐबजूई से काम नहीं लेते, ऐसी सूरत में या तो आपकी महफिल का रंग ही नहीं बनेगा या लोग जल्द ही उकताहट का शिकार हो जाएंगे। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे आज के टॉक शो से भी दी जा सकती कि हर वो टॉक शो कामयाब है जिसमें मुअय्यन अशख़ास पर तनकीद की जाए और इसके लिए माहिर नक्काद का सहारा लिया जाता है और इसी को कामयाबी की जमानत समझा जाता है। हकीकत यह होनी चाहिए कि जब हम अपनी महफिल में बैठें, अव्वल तो किसी की बात करें ही ना, अगर करनी है तो उसकी अच्छाई बयान करें ना कि बुराई। नंबर तीन, गीबत करने के असबाब में से एक बड़ा सबब कसरत मजाक भी है। जब हम लोगों को सिर्फ हंसाने की खातिर किसी दूसरे की आबरू करते हैं, उसके जिस्मानी नकाइस को अजीब अंदाज से तशबीह देते हैं, तो हम बिना इस बात को महसूस किए गीबत जैसे गुनाह में मुबतला हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाकत है ऐसे बंदे के लिए जो सिर्फ इसलिए झूठ बोलता है कि लोग उससे हंसें। हलाकत है, हलाकत है। इसलिए हमेशा अपनी जुबान को अपने काबू में रखने की कोशिश कीजिए। ऐसे इंसान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जन्नत की जमानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझे दो जबड़ों के दरमियान यानी जुबान की और दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। बल्कि एक दूसरी हदीस में तो यह भी मजकूर है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। यह बात याद रखिए कि लोगों की अक्सरियत जहन्नुम में जुबान की वजह से जाएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपन का वाकया बयान करते हैं कि जब मैं बचपन में था और इतना छोटा था कि मैं नमाज रोजे के मसाइल से नावाकिफ था, मैंने माह रमजान का रोजा रखा। जब नमाज का वक्त हुआ तो एक शख्स से वुजू करने का तरीका दरियाफ्त किया। मेरे सवाल के जवाब में उस शख्स ने मुझे वुजू, नमाज और रोजे के बारे में तफसील से बताया। जब उसकी तकरीर खत्म हुई तो बोला, बरखुदार, ये मसाइल मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमारे मोहल्ले का इमाम मस्जिद तो बूढ़ा खूसट हो गया है। उस शख्स की इस बात का इल्म मोहल्ले के मोजज़ीन को हो गया। वो इस पर सख्त बरहम हुए और कहने लगे कि इस बेवकूफ को वुजू और नमाज के मसाइल तो याद हैं, मगर हमारे दीन की इस तालीम को भूल गया है कि अपने मोजज़ीन को अच्छे नामों से याद करना चाहिए और यह कि किसी को उसकी गैर मौजूदगी में बुरे अल्फाज से याद करना गीबत है और यह उन गुनाहों में से एक है जिनके मुर्तकिब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में बयान करते हैं कि जब वो बचपन में नमाज और रोजे के मसाइल सीख रहे थे तो साथ ही साथ उन्हें गीबत और इसकी तबाहकारियों का भी इल्म हुआ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गीबत करने वाला अपने भाई का गोश्त जो उस पर हराम है उसे खाता है। देखने में आया है कि कुछ लोग खुद को बड़ा आलिम फाजिल साबित करने के लिए दूसरे उलमा की उनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं और उन्हें कम इल्म और खुद को ज्यादा इल्म वाला बयान करते हैं। इन्हीं माशरती बुराइयों की वजह से हमारा माशरा आज जवाल पजीर है और मुसलमानों की इज्जत का जो जनाजा आज निकाला जा रहा है और इनकी जो बर्बादी आज हो रही है, इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल हमें दरपेश नहीं आई। ये सब अल्लाह सुभान व तआला और उसके महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूरी का नतीजा है कि मुसलमान रोज बरोज जवाल पजीर हो रहे हैं। गीबत के बेशुमार असबाब हो सकते हैं,
लेकिन इनमें पांच काबिल जिक्र हैं। गुस्से की हालत में एक इंसान दूसरे इंसान की गीबत करता है, लोगों की देखा देखी और दोस्तों की हिमायत में गीबत की जाती है। इंसान को खतरा हो कि कोई दूसरा आदमी मेरी बुराई बयान करेगा तो उसको लोगों की नजरों से गिराने के लिए उसकी गीबत की जाती है। किसी जुर्म में दूसरे को शामिल कर लेना हालांकि वो शामिल नहीं था, यह भी गीबत की एक सूरत है। गीबत से बचने के कुछ तरीके हैं। यह कि इंसान अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, नमाज में खुशू-खुजू की कैफियत अपनाए, कुरान और हदीस में गीबत पर की गई वईद का तसव्वुर करे, मौत का तसव्वुर हर वक्त जहन में मौजूद रहे, माशरती सतह पर इज्जत नफ्स के मजरूह होने का तसव्वुर भी जहन नशीन रहे। इंसान अक्सर औकात दुश्मनों की गीबत करता है, इसी आदत की बिना पर दोस्तों की गीबत भी हो जाती, लिहाजा यह तसव्वुर पेश नजर रहना चाहिए कि अगर मेरे दोस्त को मेरी गीबत का इल्म हो गया तो दोस्ती का भरम टूट जाएगा। गीबत करने वाला शख्स अपनी नेकियां भी उसी शख्स को दे देता है जिसकी वो गीबत करता है, लिहाजा ये तसव्वुर ज़हन में रहना चाहिए कि रोज़े क़यामत मेरे पास क्या रहेगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने गीबत से मना फरमाया है और अल्लाह के अहकाम को पसे पुश्त डालकर कामयाबी से हमकनार होना मुमकिन नहीं है। सामीन, गीबत करने से कभी सवाब भी मिलता है और वो किस्म जहां गीबत करना ना सिर्फ जायज बल्कि सवाब का बायस भी है वो ये है कि एलानिया गुनाह करने वाले के अफाल और किरदार का जिक्र करना, बिदती के कारनामों का तस्करा करना, ये जायज है, इसमें सवाब है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फाजिर के बुरे अफाल का तस्करा करो ताकि लोग उससे दूर रहें। जो शख्स गीबत सुन रहा है उस पर वाजिब है कि वो गीबत करने वाले के कौल को रद्द कर दे और कहने वाले का इनकार करे, और अगर वो इनकार नहीं कर सकता या ये कि गीबत करने वाला उसकी बात को तस्लीम नहीं करता तो फिर अगर मुमकिन हो तो उस महफिल को छोड़ दे। जिस तरह गीबत करने वाले से पूछा जाएगा कि तूने फुला शख्स की गीबत क्यों की, उसी तरह गीबत सुनने वाले से भी पूछा जाएगा कि तूने फुला शख्स की गीबत क्यों सुनी। गीबत को सुनने वाले शख्स पर वाजिब है कि वो गीबत करने वाले को मना करे, और अगर इतनी हिम्मत और जुरत नहीं है तो दिल में उसके कहने को बुरा जाने। बाज़ औक़ात बज़ाहर इंसान किसी को गीबत से रोक रहा होता है मगर दिली तौर पर वो चाहता है कि गीबत होती रहे, ऐसा शख्स मुनाफिक और गुनहगार है। अगर कोई शख्स है जो ना गीबत करने वाले को रोक सकता है और ना ही महफिल को छोड़ सकता है तो फिर वो गीबत को तवज्जो से ना सुने बल्कि दिल और जुबान से अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे। इस तरीके पर अमल के बावजूद अगर कोई बात उसके कान में पड़ जाए तो उसका मुआखजा नहीं होगा। यह रिवायत हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि फलां शख्स उनकी गीबत करता है तो आप उसके पास कुछ तोहफे लेकर गए। उस शख्स ने पूछा, आप ये तोहफे किस सिलसिले में लाए हैं? तो आपने फरमाया, आप मेरे अजीम मोहसिन हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ। वो शख्स बड़ा हैरान होकर बोला, जनाब मैंने तो आप पर कभी कोई एहसान नहीं किया। तो हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, आप मेरे बड़े मोहसिन हैं, मैंने सुना है कि आप मेरी गीबत फरमाते हैं। गीबत की खसूसियत यह है कि यह नेकियों और गुनाहों का तबादला कर देती है। आपने अपनी नेकियां मुझे देकर मेरे गुनाह ले लिए, इससे बड़ा एहसान और क्या होगा। चुनाचे वो शख्स नादिम होकर ताइब हो गया। तो यह है गीबत की आफत, यानी जिसकी हम बुराई करेंगे उसके गुनाह हमारे खाते में आ जाएंगे और हमारे अमल साले का सरमाया उसके अकाउंट में चला जाएगा। इस आफत से बचने की सख्त जरूरत है, वरना गीबत करके या सुनकर हर दो सूरत में हमारे अमाल सालिया जाये हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस आफत से महफूज रखे। और सामीन, इन कलमात के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइंदा मुलाकात तक के लिए महमूद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।